नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कृषि कानून को निरस्त करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा ने पार्टी वर्करों के साथ शुरू किया यह अभियान। किसानों के साथ साथ आढ़तियों व मजदूरों के भी हस्ताक्षर करवाए। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। कृषि कानून को निरस्त करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया है। हरियाणा में सभी विधानसभाओं में यह अभियान कांग्रेस द्वारा छेड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में आज सिरसा विधानसभा में भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने पार्टी वर्करों के साथ मिलकर के यह अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत अनाज मंडी से की गई और शर्मा ने किसानों के साथ साथ मंडी में आढ़तियों व मजदूरों से भी हस्ताक्षर करवाए। सिरसा विधानसभा के अंतर्गत सभी 31 गाँव व शहरों के 31 वार्डों में करीबन 20,000 हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इसके बाद उन्हें कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति को यह हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं पलवल के विशेष रिपोर्ट। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम है जी। किसान जो है हमारे धरती पुत्र अन्नदाता है, इनके खिलाफ केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने एक काला कानून, तीन कानून बनाए हैं जो कि किसान विरोधी है, किसानों का उजाड़ने वाला काम है, बिल है ये। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी है। राष्ट्रपति के नाम हम निमंत्रण देंगे राष्ट्रपति जी को। हम गांव गांव जाकर, गली गली को जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो है हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और ये सारे वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर सभी ऑल इंडिया के लेवल पर प्रोग्राम सोनिया जी ने, राहुल जी ने शुरू किया है और हर प्रदेश के अंदर ये प्रोग्राम शुरू है, आज शुरू हो चुका है। और हरियाणा में भी 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। सरसा के अंदर जो है मैंने आज शुरुआत की है और इसके बाद जो है 31 गांव में हमारे और 31 ही वार्ड हैं। हम अपनी टीमें बनाएंगे, हर गांव में के अंदर एक टीम भेजेंगे, हर वार्ड के अंदर एक टीम भेजेंगे। और पहले हम उस लोगों को, किसानों को जागरूक करेंगे इस बिल के बारे में भी, इस बिल का कितना नुकसान है हर बात बताएंगे, उनको बताएंगे इसका कितना नुकसान है, फिर हम उनको कहेंगे साइन करो। और ये साइन जब हो जाएंगे, हमारा टारगेट है कम से कम 20,000 हर विधानसभा क्षेत्र में हम साइन करा के और फिर इकट्ठे होने के बाद राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति को यही कहेंगे इस काले कानून को रद्द करो, काला कानून है जो किसान को बर्बाद कर देगा, किसान को मजबूर कर देगा आत्महत्या के लिए, क्योंकि किसान के पास कुछ नहीं बचना। ये जो बड़े बड़े अंबानी है, अडानी है, ये किसानों की जमीन खरीद लेंगे और किसान बेचारे मर जाएंगे। और क्योंकि ये अंबानी मोदी जी के दो ही दोस्त हैं, अडानी और अंबानी, और किसान को ये मारने की योजना है, बर्बाद करने की ये बिल है। कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला राहुल जी ने कहा है, कांग्रेस सरकार बनते ही हम इस काले कानून को रद्द करेंगे ताकि किसान को बचाया जा सके। आज हम किसान को, धरती पुत्र को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए, व्यापारियों को बचाने के लिए और रेहड़ी वालों को और जो गरीब तबके का आदमी उनको बचाने के लिए हमने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। डबल सेंड कराना।